27 देखिए, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, ये कंटिन्यूअस है 0 पर, तो इसका k का वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं, हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू में जो फंक्शन दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ, 1 माइनस कॉस के एक्स बाई में एक्स साइन एक्स, कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक्स का वैल्यू 0 से लेस देन या 0 से ग्रेटर हो सकता है, और एफ एक्स का वैल्यू 1/2 हो जा रहा है जब एक्स का वैल्यू 0 हो रहा है तब। चलिए अब इसका पहले हम लोग 0 पर देखते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0, और इसका एल एच लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पावर में माइनस देंगे और फंक्शन एफ एक्स, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 पावर में माइनस एफ एक्स का वैल्यू 0 से लेस देन के लिए ही है, 1 माइनस का कॉस के एक्स और बाई में x साइन x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसे आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, 1 माइनस कॉस के एक्स है ना, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पावर में माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, और बाई में नीचे यहाँ एक्स है और फिर साइन एक्स है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब इसके आगे देखते हैं, हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 पावर में माइनस, यहाँ 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, नीचे क्या करते हैं, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, और यहाँ इंटू में साइन एक्स बाई एक्स, देखो एक एक्स एक एक्स कटेगा, एक्स ही बचेगा ये वाला, और ये के स्क्वायर बाई 4 से डिवाइड किए हैं तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग, ये 2 और के स्क्वायर बाई 4 बाहर निकल जाएगा, 2 के स्क्वायर बाई 4 निकल गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पावर में माइनस आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 बाई में के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 बाई इसे लिख सकते हैं साइन एक्स बाई एक्स। अब अलग अलग लिमिट लगा देते हैं और आगे देखते हैं, हो जाएगा इसका काट देंगे के स्क्वायर बाई 2 लिमिट एक्स टेंस टू 0 पावर में माइनस, यहाँ पे हो जाएगा साइन के एक्स बाई 2 बाई में के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 बाई लिमिट एक्स टेंस टू 0 पावर में माइनस साइन एक्स बाई एक्स। तो यहाँ देखिए के स्क्वायर बाई 2 इंटू में इसका 1 और यहाँ पे भी 1, यानी आ जाएगा के बाई 2। अब इसका आर एच लिमिट लिखते हैं, के स्क्वायर बाई 2 है, आर एस लिमिट लेते हैं, आर एस लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पावर में प्लस और फंक्शन है एफ एक्स, क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 पावर में प्लस फंक्शन एफ एक्स का क्या था जी, तो 1 माइनस का कॉस के एक्स बाई में एक्स साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पावर में प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 और बाई में नीचे एक्स साइन एक्स। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पावर में प्लस 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 बाई में नीचे हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई में 4 साइन एक्स बाई एक्स और इंटू में यहाँ के स्क्वायर बाई 4, ये कॉन्स्टेंट और इस 2 को बाहर कर देते हैं, 2 के स्क्वायर बाई 4 लिमिट एक्स टेंस टू 0 पावर में प्लस, यहाँ हो जाएगा साइन के एक्स बाई में 2 और इसके बाई में आ जाएगा के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और इंटू में 1 बाई लिमिट एक्स टेंस टू 0 पावर में प्लस आ जाएगा साइन एक्स बाई में एक्स। तो इसे हम लोग काट सकते हैं, के स्क्वायर बाई 2 इसका लिमिट 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, यानी बच जाएगा के स्क्वायर बाई 2, ये आपका आर एस लिमिट हो गया। अच्छा, अगर हम लोग अब एफ 0 की बात करें तो 0 पर क्या हो जाएगा फंक्शन, 0 पर हो जाएगा यहाँ पर 1/2 दिया है, तो 0 पर है 1/2, 0 पर क्या है 1/2, तो आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पर कंटिन्यूअस है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स एल एच लिमिट इक्वल टू में आर एच लिमिट और इक्वल टू में एफ 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर बाई 2, के स्क्वायर बाई 2 इधर 1/2, तो चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू में 1/2, स्क्वायर जाएगा रूट में, तो प्लस माइनस भी लग जाएगा, प्लस माइनस रूट 1, यानी के का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर